So I have a couple of questions for all of you on my phone. And my first question is for you, sir. Anisa, you're making the third installment of Odule. Yeah. So is that the monster ka ki aatma ko shanti milegi? Ya wo aami je to maar gaati rahegi? देखिए अगर उनकी आत्मा को शांति मिलेगी तो बाकी बहुत से लोग शांत होंगे और अभी ये तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है अगर वो नहीं होगा तो मुझे लगता है बहुत लोगों को डिसरेसेप्शन होगा कि इसलिए कि जो गाना है वो इतना आइकॉनिक गाना है और इस फिल्म के साथ इस तरह जुड़ा हुआ है कि वो एक जिस्म है और एक रूह है ऐसा है तो मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये गाना भी रहेगा और वो अशांत भी रहेगी. वाह क्या बात है सर. And my next question will be for you, sir, Mr. Sharmila, sir. Three Idiots का जो राजू का character है, आज उसपे इतनी memes बन रहे हैं. So कभी आपने सोचा था कि उस character को इतना प्यार मिलेगा and people will love him so much? नहीं, अब ये तो सोच नहीं सकते, लेकिन हमें ये जरूर पता था कि एक बहुत ही बेहतरीन कहानी पे हमें काम करने का मौका मिला है. और इस फिल्म को प्यार मिलेगा ये भी हमें हम सबको यकीन था, लेकिन किस लेवल तक प्यार मिलेगा ये किसी को पता नहीं था. और फिल्म को तो प्यार मिला, मेरे कैरेक्टर को भी जैसे आपने कहा बहुत प्यार मिला, तो शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले जी. और इस कैरेक्टर का क्या असर हुआ आपकी लाइफ पे? मेरी लाइफ पे इट्स बिकम माय आइडेंटिटी. Like you introduced me as Raju, I thought that was the time for me to enter. Then you said no further introduction. And it's synonymous now with me. Three Idiots is one such film. I think it's possibly the Sholay of our times, you know, one of those very special films that comes in this decade or two. Yeah. So yeah, honored to be a part of it. Thank you very much. And now Rajat sir. So, हमने बहुत सुना है कि पहले मूवीज में हीरो से ज़्यादा आपकी डिमांड हुआ करती थी. योर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंटी हीरोज ऑफ योर टाइम एंड नॉट जस्ट योर टाइम, इन फैक्ट स्टिल व्हेन आई लुक एट यू आई कैन टेल कि सर अभी कास्ट करना चाहिए सर को. सो हाउ डू यू से बॉलीवुड इज डिफरेंट देन इट वाज बिफोर टुडे फॉर एन एंटी हीरो स्पेशली? पहले भी सेम था, आज भी सेम ही है. आप तो सर सेम ही है, आप बदल नहीं लग रहे. कुछ बदला नहीं, ना मैं बदला हूँ, ना वक्त बदला है, ना इंडस्ट्री बदली है. वो वक्त भी सेम था, ये वक्त भी सेम है. तो मैं कहूँगा कि डेफिनेटली ओटीटी के आने से बहुत बदलाव आया है. बहुत मौके मिले जा रहे हैं बड़े, और बहुत सारे नए कलाकार आ रहे हैं. आई एम सो हैप्पी दैट इंडस्ट्री में हर टेक्नीशियंस, फ्रॉम टेक्नीशियंस टू एक्टर्स टू to the financial world also, everyone's getting an opportunity to be a part of the industry. Bollywood industry growth बहुत हो रही है, और I would say के audience को अलग-अलग content देखने का मौका मिल रहा है. Now they are understanding much better, they're getting to see better content. एक वक्त तो ऐसा भी था कि वो सब OTT पे ही देख रहे थे, theater पे कोई जा नहीं रहा था, पर अब ये theater का वक्त आ गया वापस. So I would say this is always going to be, the industry is always going to be like that. Wonderful. Thank you. Thank you very much. My next question is for you, Shahid sir. You're one of the pioneers of change in the world of casting. How would you say actors were perceived maybe a decade ago, and how are they being perceived now? Especially the upcoming actors, because I believe many actors would want to know this, that when they reach Mumbai and they want to audition for a role, they don't know who to go to. And many times they make this mistake of going to the wrong people and they are not treated well at the same time. How do you think the industry, the casting industry is different now? देखिए, casting industry में बहुत ज़्यादा change हो गई है, क्योंकि पहले films होती थी और अभी OTT आ गया, तो जो बहुत सारे actors थे जिनको films में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, उनको OTT के थ्रू अपॉर्चुनिटी मिली है और OTT से वो लोग भी फिल्म्स में आ गए. तो ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है स्पेशली एक्टर्स के लिए. राइट, वंडरफुल, वेरी वेल सेड. बैक टू यू शर्मन सर, आई एम डूइंग अ क्लॉकवाइज इंटरव्यू. वेरी गुड, वेरी गुड. राजू भी राजू. वंडरफुल.
सर हमारे दर्शकों का, सारे मीडिया का, जो सब यहाँ लोग बैठे हैं, उन सबका एक सवाल है कि सर कमो की शादी पे मारुति 800 मिली थी। ये लोग सबने बहुत कंट्रीब्यूट किया, अपना रांचो और मैडी के कैरेक्टर का नाम बोल रहा हूँ, कंट्रीब्यूट करके रोल्स रॉयस से ले आए थे वो लोग। सीक्वल में कौन सी गाड़ी लाएंगे, आई थिंक हवाई जहाज लानी पड़ेगी। अभी मैं बोल, आज यहाँ पे कुछ बोल दूंगा, अभी छत बोलेंगे सीक्वल बन रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी मजाक में कह रहा हूँ। या शायद बन रहा है, क्या पता क्या पता क्या पता।